सक्सेस। फौरन फौरन जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम्हारी ससुराल जाएंगे। डोंट मूव, अगर कोई हिला तो वहीं दफना दूंगी। हेलो इंस्पेक्टर जयंती। मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, क्या हुआ? सर, मैंने स्मगलिंग पार्टी को अरेस्ट किया है, आप फौरन आइए। ऐसा क्या? कहाँ हो तुम? उत्तर घाट में हूँ सर। अच्छा, कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं आता हूँ। यस सर। Oh my God. अच्छा, वो बचने नहीं चाहिए, मैं फौरन आता हूँ। Right, sir. नहीं बेटी जयंती, ऐसा क्यों कर रही हो? जो भी हो, मैं तेरा ससुर हूँ और ये तुम्हारा पति है, तुम ये मत भूलना। दया करके मुझे पुलिस के हवाले मत करना, फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। किए हुए अपराधों की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। प्लीज बेटी। क्या डैडी अभी से भीख मांग रहे हैं? शूट करेगी, कर कर जल्दी कर। देखा नहीं, हाथ में पिस्तौल लेके खड़ी है वो। ये समझ के बातें करना चाहिए ना, बुलेट के लिए पति हो या बदमाश सब एक है। बेटा तुम तुम्हारे बर्ताव से ही मारे जाओगे। देखा, हम जिस गाड़ी में आए थे उसमें वो चला गया और हम यहाँ फंस गए। वेल डन जयंती, वेल डन। अपने पति को भी फर्ज निभाने के लिए गन पॉइंट पे खड़ा किया, यू आर रियली ग्रेट। बाप और बेटे मिलकर स्मगलिंग कर रहे हो, स्मगलिंग क्यों रे? बहुत मुश्किल से पकड़ा तुम लोगों को, अब कोर्ट में ले जाकर जेल में बंद किया, तो पैसे देकर बेल में बाहर आओगे और ये काम नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? इन लोगों को कोर्ट में ले जाकर कोई फायदा नहीं, हमें खुद इन्हें सजा देनी चाहिए। प्लीज प्लीज शूट 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 आई से। शूट करना नहीं आता? नहीं सर। क्या हुआ तुझे? पति सेंटिमेंट? क्यों, पति और ससुर मर जाएंगे सोचकर दुखी है? मुझे धर्म संकट में डाल दिया रे। एक तरफ मुझे बहुत पैसे देने वाला मालिक, दूसरी तरफ मेरे अंडर फर्ज निभाने वाले तुम। इन दोनों में से किसको शूट करूं मैं? बंदूक हाथ में लेने के बाद मुझे शूट करना ही पड़ता है। तुझे शूट करूं? तू मर गई तो तुझे सरकार से बहुमति मिलेगी, मुझे प्रभाकर से पैसे मिलेंगे। पति को भगवान समझते हैं अपने देश में, और तुम हो कि पति को ही शूट करने के लिए आई हो। अब तुझे मैं इसी जगह दफना दूंगा। आई एम वेरी सॉरी मैडम। Oh, my God.
गई सर। अरे बस करना सेंटिमेंट, हमें दफनाने के लिए आई थी। साली को दफना कर जल्दी आ, क्यों चले? प्रभाकर, दारू पीने का वक्त हो गया, जल्दी आने को बोल। डीएसपी आ गया। ऐसा क्या, फौरन आने को बोलो, सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आने को बोलो। ओके सर। ए प्रभाकर, ये कहाँ का न्याय है? आओ यार आओ, बैठो, तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। ये क्या इतनी जल्दी शुरू कर दिया? कोई मुझे बात नहीं, तुम्हारे लिए भी है, लो पी लो। क्यों यार डीएसपी, सुबह तुम्हें फोन किया था, पता चला कि कमिश्नर ऑफिस गए हो। अच्छा, हमारा काम हुआ क्या? नहीं, कमिश्नर ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं यार, एक लौंडिया को सेटअप करके रखा है, देखकर पसंद आया तो तुम्हें परमानेंट रख लो, उसने ऐसा कहा। ऐसा बोला? घूर क्यों रहे हो? अरे यार, बाप और बेटे ने मिलकर ड्यूटी में रहने वाले एक पुलिस अफसर को जान से मार के दफना दिया, फिर आराम से बैठ कर दारू पी रहे हो। जानते हो मैं उसे छिपाने के लिए कितना परेशान हुआ? क्या किया तुमने? वो एक बड़ी कहानी है। एक जीप चलाकर उसके अंदर एक अनजान लाश को रख कर राख किया, और वो जयंती थी, ऐसा प्रूव करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा यार। अब सोचते समय भी बदबू आ रही है। डाल यार एक राउंड। अरे वो डीएसपी, दारू के नशे में तुम जो बकवास कर रहे हो, ये बकवास कहीं और जाकर नहीं करना। प्रभाकर, दारू के नशे में बकवास नहीं की तो एक शराबी नहीं। ओफो। क्यों तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने चुपचाप बैठा है? अगला मर्डर करने का प्लान बना रहा है क्या? ऐसा कुछ है तो मुझे बता के करना। वो पत्नी को दफनाने के बाद बहुत फील कर रहा है। क्यों बेटे, ऐसा है क्या? अरे छोड़ो यार, ये सब हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं। तुम एक काम करो, बाप के सामने एक पैग। अरे नहीं यार, हम बाप बेटे दोनों मिलकर कभी शराब नहीं पीते। अरे बाप रे, साथ में खून कर सकते हैं। अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सेक्रेटरी से मुझे प्रॉब्लम होगी। सर, कॉल फ्रॉम अमेरिका। हेलो। हाँ गौरव, कैसे हो तुम? हाँ, ऐसा क्या? ठीक है, मैं डैडी को बोल दूंगा, डोंट वरी। हाँ ओके। सुनो बेबी, सर तुमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, जा। संभाल के, इंसान जोश में क्या क्या करता पता नहीं। प्रभाकर, कॉल फ्रॉम बेडरूम। बस, तू मुझे क्या से क्या बना दिया। बैठ। किसका फोन था? गौरव का फोन था। अच्छा। आने वाला हफ्ता वो आ रहा है। हाँ, खुशी की बात है, आने दो।
इस पेटी के अंदर जो कैश है उसे ले जाकर बीरू में रखो। भास्कर, तुम्हारा भाई गौरव फॉरेन से आ रहा है, उसे हमारे धंधे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो वो अपने बाप को भी पुलिस में पकड़ा देगा, उसके बाद हम रोकड़ा गिन नहीं पाएंगे, जेल की सलाखें गिननी पड़ेंगी। संभाल के, समझ गए? ओके डैडी। इस घर का मालिक मैं हूं या कोई और है पता नहीं। भास्कर, हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे ना वो मुंबई वाली पार्टी, उसने मुझे फौरन वहां बुलाया है, मैं मुंबई जा रहा हूं। एक और गुड न्यूज, ये डील अगर हो गई तो हमें इस बिजनेस से 2 करोड़ का फायदा होगा, उसके बाद हम इस फील्ड के राजा होंगे। भास्कर, हमसे धंधा सीखकर अब हमारा ओपोनेंट बन गया है वो। हाँ, वही तुम्हारा दोस्त बलबीर, वो भी इस डील को हासिल करने के लिए बहुत ही ख्वाहिशमंद है। उससे पहले हमें डील खत्म करनी होगी, उसके बाद हम उसको खत्म कर देंगे। ओके, मेरे मुंबई से वापस आने तक यहाँ कोई डील नहीं करना, समझ गए ना? ओके डैडी, बेस्ट ऑफ लक। मंजू मालिक, ये ब्रीफ केस ले जाकर गाड़ी में रखो। अच्छा जी। चल चमेली। हे, कौन हो तुम? खुले हुए घर के अंदर घुसते हो, थक्का मारा और फकवास भी करता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचान। अच्छा अच्छा, पहचान करने के लिए तुम सुपरस्टार हो या मुख्यमंत्री, बोलो। मुझे घूर कर देखो अच्छी तरह। पहचाना नहीं? नहीं पहचाना? मैं इस घर का हूँ मामा। अरे छी, तुम एक मामा है, ये बात दूसरे किसी को बताना नहीं, बेचारा। मंजू, कौन है वहाँ? मालिक, कोई मामा आया, आपसे मिलना चाहता है। आजकल ये मामा लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आने को बोलो। साधु संन्यासियों को क्यों अंदर आने दिया? कौन हो तुम? जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना। अरे साले साहब, तुम गले में सब मालाएं कैसी, क्या हुआ तुम्हें? अरे ये तो अपने मामा है। अरे ये क्या हाल बना रखा है मामा? बेटे, ये मामा का भेष नहीं है, स्वामी का भेष है। ये बताओ, जिस स्वामी के पीछे गए थे वो क्या हुआ? उसने मुझे धोखा दिया। वैसे तो साधुओं से औरतों को ही धोखा होता है, लेकिन तुम्हें कैसे धोखा हुआ? ऐसा कुछ मत कहिए जीजा जी, वह स्वामी ही बड़ा बदमाश है, महायोग्य है, उस पर भरोसा किया तो मोक्ष मिलेगा सोचा था। क्या हुआ, वहां आने जाने वाली लड़कियों को सेटअप करने का बोला मुझे, वो एक स्वामी नहीं है। उधर घुमा, सेक्स टीचर। मामा जी, बाद में क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, एक लड़की को सेटअप करके वहां से भाग जाऊंगा सोचा, उसके लिए स्वामी जी ने मुझे गेट आउट कर दिया। क्यों मामा जी? मैंने जिसे बुलाया था वो स्वामी जी की पत्नी थी। वहाँ जाकर भी तुम्हारी आदतें नहीं बदली। अच्छा अच्छा, आप कहीं नहीं जाना, यहाँ रहकर घर की देखभाल कर लेना, आश्रम की आदतें यहाँ नहीं दिखाना, समझ गए? मंजू संभाल के। अच्छा, बहुत बदमाश है। मामा जी, मैं यूं गया और यूं आया, आके डिस्कस करेंगे। करेंगे। यार, तुम इस घर का मामा जी है, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही बताया था ना तुझे, मामा। मामा बोला तो क्या समझू मैं? क्या सोचा था तुमने? मैं कुछ नहीं सोचा। अरे ऐसा मत देखो यार, मुझे शर्म लगती है। क्या शर्म लगती है, इस जमाने की औरतों को ये भी होता है, बच गया। अच्छा, रात में? रात में? रात में तुम? मैं रात में कहाँ सोगी? क्यों? यूं ही पूछा। साधारण मैं घर जाऊंगी, काम ज्यादा है तो यहाँ नीचे सो जाऊंगी। मैं ऊपर सोऊंगा, ऊपर ऊपर। क्या बात है? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे सर, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए सर। अंदर बैठ जाओ। ठीक है सर। कहाँ जाना है? सर, मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई थी, अगर आज रात रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। ओके। बैठो, कैसा लगा? वेरी नाइस, घर में कोई और नहीं है? मालूम नहीं, शायद सब बाहर गए होंगे। ओह,
बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहाकर आ जाऊं? मामा जी, भूत भूत के क्या भांजे, भूत भूत चिल्ला रहे हो? मामा जी, जयंती बुला रही है। बुलाया तो जाना चाहिए ना, क्यों बुला रही है? मामा जी, जयंती भूत बनकर बुला रही है मामा जी। अरे अंदर जाके सो जा भांजे, जाओ। नींद खराब कर दी मेरी, पता नहीं क्या। अच्छा ये पंचू कहाँ सो रही है? यही तो सोने वाली थी, कहाँ गई? सारी दुनिया की रक्षा करने वाली माता, सबको सुखी रख माता, ओम रीम क्रीम। ये लो, इस नींबू को अपने घर में जाकर आंगन में खोद कर गाड़ दो। बाहर जाते वक्त और वापस घर आते वक्त इसे स्पर्श करना, सब भला होगा। सब कुछ आज से भला होगा, माता तुझे बचाएगी और मैं तो हूं ही। माता भांजे, ये स्वामी बड़े शक्तिशाली हैं, कितना ही बड़ा शैतान क्यों ना हो, एकदम धूल बना देंगे। हाँ अच्छा, रात में हमला करती है ये बोला ना, इनको देखने सब ठीक हो जाएगा। चले। स्वामी जी, स्वामी जी, अरे मूर्ख लोग, जूता पहनकर अंदर आने की हिम्मत कैसे की? जाओ यहां से, जाओ। माता बैठ जाओ। स्वामी जी, ये मेरा भांजा है। स्वामी जी, मरी हुई इसकी पत्नी रात में आकर इसे डरा रही है, इसीलिए इसको यहां लाया हूं। बीज बिखेरने वाला ही फसल काटेगा। मूड़, मृत्यु के पास जाने वाले को मेरे पास क्यों लेके आया? ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? इसका मुखड़ा देखते वक्त ही इसकी मृत्यु दूर नहीं है, ये मैं समझ गया। स्वामी जी, इसकी मृत्यु बिजली से ही होगी, यही सच है। आप ऐसा मत बोलिए, मेरे भांजे को बचा लीजिए।
लो, ये माता के पांव में पूजा किया हुआ तेल है। इसे हर रोजाना घर में दीप जलाने से वहां पर कोई भूत या शैतान कभी नहीं आएगा। अब जाओ यहां से। ये खत्म हो गया तो बैठ जाओ। सब भला होगा माता। अरे मंजू स्टॉप। क्या या? मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, मुझे क्या पसंद है तुमने पूछा ही नहीं। ये सब मुझे पसंद नहीं। तो क्या पसंद है? लगता है जीजा जी बम्बई से वापस आ गए हैं, तो मुझे मैं बाद में संभालूंगा। तुम क्या संभालेगा, ये दाल पकेगा नहीं। अरे हट। आश्रम में जो लड़की देखी थी तुम उसी के अवतार हो। लाइए जीजा जी। क्या हुआ, तुम अभी तक ड्रेस नहीं बदले? कल बदला था फिर पहन लिया। भास्कर कहाँ है? भांजा गेस्ट हाउस तक गया है। मेरे लिए कोई फोन? फोन वो तो नहीं आया। तो फिर रात 12 बजे भूत आया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ जीजा जी, रात में जयंती भूत बन के आके डरा रही थी। बेचारा भास्कर सुबह तक सो नहीं पाया। जयंती का भूत आया था या फिर आश्रम से कोई आई थी? सपना देखा होगा तुमने। मेरी बात आपको बकवास ही लगेगी। देखो भास्कर आ रहा है, उसी से पूछ के समझ लीजिए। आप कब आए डैडी? मेरे आने की बात छोड़, तेरा मामा क्या बक रहा है? जयंती कह रहा है, भूत कह रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ पिताजी, कल रात जयंती भूत बनकर मुझे धमकी दे रही थी। भूत बनकर धमकी दे? तो फिर जब रात को फोन किया तो बताया क्यों नहीं? आपने कब फोन किया? मैंने ही तो किया था, दूसरा कौन किया? जयंती ने फोन किया था। जयंती ने फोन किया? उसने ही हम लोग से फोन किया था। अरे क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम कह रहे हो कि भूत ने फोन किया? पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है। कोई भी ग्रह हो तो क्या, भास्कर को ही वो ग्रह पकड़ रहा है, इसीलिए मैं भूतराज स्वामी जी के पास जाकर। कौन से स्वामी जी? भूतराज स्वामी जी। आप समझ गए? मंत्र शक्ति का तेल लेकर आए हैं। अरे छोड़ ना, कंप्यूटर के जमाने में तू बेवकूफों जैसी बात करके मुझे भी उल्लू बना रहा है। तू है के केरोसिन से दीप जलाने की कोशिश कर रहा है, लगता है तू कभी नहीं सुधरेगा। जीजा जी, ऊपर वाला राज्य, ऊपर वाला राज्य, अपना राज्य, अपना राज्य। उंगली टूट जाएगी। कोई बात नहीं है, स्पीड में गए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप शायद ट्रैफिक रूल्स नहीं जानते हैं। स्पीड ज्यादा होता आदमी को मार डालेगा। फास्ट इज लॉस, भूलना मत। मैं भूलूंगा नहीं, तुम भी नहीं भूलना। क्या? कल गौरव फॉरेन से आ रहा है, तुम ही उसे एयरपोर्ट से लाओगे? ओके, आई एम रेडी। गुड मॉर्निंग मैडम। आज खैर नहीं तुम। कौन है ये सब, सिर्फ पैंट में क्यों खड़ा कर रखा है इन्हें? मैडम ये लड़कियों को छेड़ रहे थे, इसलिए मैंने ईव टीजिंग केस के अंदर इन लोगों को अंदर किया है। ये बात है? हाँ? तो इनकी पैंट भी उतार कर इन्हें अंडरवेयर के साथ अंदर कर दो। ओके मैडम, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता? ये बुके यहाँ कैसे? मैडम एक आदमी आया था मेरे पास, उसने ये बुके मुझे दिया और कहा कि तुम्हें दे देना, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया इस टेबल पर। हाँ कौन था? मैंने उसे पूछा, लेकिन उसने इतना ही कहा कि वो आपको अच्छी तरह से जानता है, और उस ऊपर से कहा कि रोज जहाँ आप मिलती है उसे, आज भी मिलने के लिए कहा है उसने। मेरी तरफ देखो उषा। तुम्हारे फॉरेन जाने की खबर तुम्हारे चीफ डॉक्टर ने दी, ये अच्छा है क्या? नहीं उषा, मैंने तुम्हें पहले ही बताने की सोची थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। वो पूरे गप्पी हैं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज ले आया हूँ, जिसे देखकर तुम ताज्जुब में रह जाओ कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चला जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, देखो ना उषा, मैं चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे। देखा, मैं तुम्हारा बर्थडे भूले बगैर ही बुके लेकर आ गया। ये लाना तो तुम्हें याद रहा, मगर अपने फॉरेन जाने की खबर सुनाना भूल गए।
तुम्हारे इस बर्थडे पर तुम्हें सबसे पहले विश करने वाला सिर्फ मैं हूँ, और अगले बर्थडे पर मैं बुके लेकर इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके मैडम, मैडम क्या है? आपका फ्लैशबैक पूरा हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, तुम संभाल लेना। जहाँ हमेशा आप जाती वही ना। सॉरी मैडम। मैडम फोन। हेलो, हेलो, पुलिस चौकी है ना? यस। एक मैसेज है। जी बोली। मैडम उत्तर घाट बंगले में स्मगलिंग चल रही है। क्या? उन्हें गिरफ्तार करिए। मैं फौरन पहुंचती हूँ। आप कौन? हेलो, हेलो। पार्क में लेकर आया है। क्यों भांजे, एयरपोर्ट से सीधा घर जाए बिना इधर उधर घूम के यहाँ क्यों लेकर आए हो? थोड़ा चुप रहिए मामा जी। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? ये क्या भांजे यहाँ के खड़े हो गए? आप जरा यहीं रहिए मामा जी, मुझे एक आदमी ने यहाँ पर मिलने के लिए कहा था, मैं देख कर आता हूँ। भांजे से यहाँ मिलने वाला मुख्य आदमी कौन होगा? सही टाइम पर आया हूँ ना उषा। बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। बैठ जा ना रे, बैठ ना रे, बैठ। भांजे तुम क्या कर रहे हो? ये बटरफ्लाई कौन है? क्या हुआ? अरे मामा जी गायब हो गई। मुझे छोड़ के मत जाओ रे। अरे रुक जाओ रे। अरे रुक जाओ ना। हाय डैडी। अरे गौरव इतनी देर लगा दी? वो भांजे बता दूं? चुप भी रही मामा। क्या दोनों खुशबुजू कर रहे? ऐसा कुछ नहीं है डैडी। अच्छा भाभी कहाँ है? मैं आऊंगा तो मुझे देखकर खुश होंगी। कहाँ है भाभी? बताते क्यों नहीं? बोलिए मामा जी, बोलिए डैडी। मैं पूछ रहा हूँ और आप जवाब ही नहीं देते। मुझे भाभी को देखना है, आप जवाब क्यों नहीं देते? बोलिए। क्या हुआ डैडी? बोली डैडी, बोली डैडी। वो डिपार्टमेंट की तरफ से जब रेड पर गई थी तो बम ब्लास्ट में मर गई बेटा, और क्या बताऊं। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया डैडी? फोन करने वाले थे लेकिन तेरे भाई ने मना किया, पढ़ाई में बाधा होगी ये सोचकर बेटा। भांजे, भांजी मर के देवी बन गई, वो मर के देवी बन गई, ये सच है तो उसे मारने वालों से बदला लिए बिना वो नहीं छोड़ेगी। ए, बकवास बंद कर, ये पहले ही से परेशान है, जा बेटा आराम कर। चलो भांजे चलो, वो बदला लेकर ही छोड़ेगी। ब्लड बैंक में फोन किया? यस डॉक्टर, और थोड़ी देर में भेजेंगे बोला। आइए डॉक्टर गौरव, विदेश का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। गुड। गौरव, आपके फॉरेन से आते ही एक पार्टी देने की सोचा था, लेकिन मैं आपको एक बैड न्यूज देने जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्रेमिका उषा को। क्या हुआ उषा को? गौरव वार्ड नंबर 9 में जाकर देखिए। उषा, 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 डॉक्टर उषा को क्या हो गया? नथिंग गौरव, डोंट वरी, पैर में गोली लगी है, खून बहुत बह चुका है, सारी रात स्पॉट में रही है, सुबह ही लेकर आए हैं, नो प्रॉब्लम, एक छोटा सा ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएंगी, वो आप ही करेंगे। डॉक्टर डोंट वरी गौरव, आपसे होगा,
आप उसमें एक्सपर्ट हैं। नर्स, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। इस पेटी को ले जाकर तुम्हारी नई सेक्रेटरी शीला को दो और मुंबई पार्टी को हैंडओवर करने को कहना। पुलिस चेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संभल के रहना। ओके रेडी, मैं संभाल लूंगा। आइए डॉक्टर, कैसे हैं आप? मजाक कर रही हो? जो मुझे पूछना चाहिए था वो तुम पूछ रही हो। आपके फॉरेंसिक लौटते ही सबसे पहले आपने मेरा ऑपरेशन किया, जानते हैं इस बात से मैं कितनी खुश हूँ। चुप भी करो उषा, फॉरेंसिक आते ही मुझे सबसे पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ा, इसके लिए मुझे कितना दुख है। सिर्फ आज ही नहीं गौरव, जिंदगी भर मेरा ट्रीटमेंट करने का हक सिर्फ तुम्हारा रहेगा। वही तो बात है, इस हालत में भी तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। सुनो उषा, तुम ड्यूटी में जितनी सिंसियर हो उतना सेहत में भी होना चाहिए। व्हाट अ सेल्फिशनेस, हां? अपनी होने वाली बीवी के बदन का कितना ख्याल है तुम्हें, हां? हां, मैं सेल्फिश हूं। तुम्हारे मामले जो भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेल्फिश हूं सेल्फिश। क्यों जनाब, गुस्सा हो गए क्या? डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है, पहले मुझसे शादी करके अपने घर ले जाओ, फिर जो तुम्हारी मर्जी आएगी वो सब मेरे साथ कर सकते हो तुम। अच्छा, अपने डैडी से कब मिलवाने वाले हो मुझे ये बताओ। मैं जिस दिन फॉरेन से आया उसी दिन मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाने के लिए बहुत देर इंतजार किया, लेकिन चांस तुमने मिस कर दिया। उसका भी वक्त आएगा डार्लिंग, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। बस बस, अब तुम ठीक हो, कल ड्यूटी जा सकती हो। ड्यूटी को छोड़ो, ये बताओ मुझे ससुराल कब लेके जाओगे? कल ही मैं डैडी के पास जाकर। जाकर? ये लीजिए आपकी बहू, उठा के लाया हूँ। ऐसे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। किस लिए बॉस? हमारी डील के लिए। ठीक है बॉस, तुरंत पहुँचती हूँ। किसका फोन था डार्लिंग? बॉम्बे पार्टी को आज ही तुरंत माल पहुँचाने के लिए कह रहे थे वो। जो माल मुझे आज मिलने वाला है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ऐसा कह रहे थे। प्रभाकर, इस डीलिंग को अपनाकर तुमने होशियारी से मुझे धोखा दिया। तुम्हारे आदमी से मैं तुम्हारा धंधा खत्म करवा दूंगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कितने दिन तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तुम वो पार्टी के पास ले जाने वाला माल यहाँ लेके आ जाओ तो हम कहीं भी जाकर मस्ती में जिएंगे। तुम क्या सोचती हो? सच जानू, मैं भी यही सोच रही थी। ओके, तुम यहीं रुको, मैं तुरंत आती हूँ। उफ़ो। शीला, इस ब्रीफ केस को पार्टी को दे देना। वो आएगी, वो आएगी। जानू। शीला, तुम कैसे भी माल लेकर आओगी मैं जानता था, मगर इतनी फास्ट आओगी ये नहीं। एक मिनट। अरे तैयार हो गई, इतनी जल्दी है? तुमने ही पियोगी? मैंने पी ली। हंस क्यों रहे हो? तुमने अभी अभी जो ब्रांडी पिया है वो तुम्हारा आखिरी पानी है। क्या मतलब? इस ब्रांडी में जहर मिला है, थोड़ी देर में तुम मर जाओगी। कौन द्रोही? मैं द्रोही हूँ। तुमने अपने बॉस को धोखा दिया है, द्रोही तुम हो, तुम्हें मारने में कोई नुकसान नहीं। मर गई है। हेलो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, होलसेल मर्चेंट प्रभाकर का बेटा भास्कर, उसके सेक्रेटरी का मर्डर हो गया है। क्या कहा? आप जल्दी आइए। आप कौन? हेलो हेलो, हाँ
मामा जी, मामा जी। मैं इधर हूँ, 10 मिनट के बाद नहीं आ सकते थे? ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? छोड़िए मामा जी, मुझे फोन डैडी से मिलना है। वो गेस्ट हाउस पे गए होंगे, वहीं जाके मिल लो। तुम्हें उनसे क्या मिलना है? मुझे अपनी प्रेमिका के बारे में बताकर शादी की बात करनी है। ओह शादी, तब तो वो फॉरेन वाली को किस करना वगैरह बंद। ओके गुड। छोड़िए मामा जी, आप जब भी देखिए ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे मिलके आता हूँ। आप भी जो है मांजू, धूल चमी है, आओ। हेलो सेठ, माल आपके पास जरूर पहुंचेगा, अभी तक लेट हुआ है क्या? मैं हूँ ना, तुम डरो नहीं। ओके, क्यों रे, माल अभी तक पहुंचा नहीं? वो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो सेठ मुझे गाली दे रहा है। धीरज रखिए, पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, इसीलिए कहते हैं अन्नाड़ियों को काम पे नहीं रखना चाहिए। डैडी, घोड़ा आ रहा है। ये यहाँ क्यों आ रहा है? डैडी, हाय भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैया, आज मैं अपनी उषा को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। ये बात है, कब लेकर आ रहे हो? वो डैडी, वो सीधे यहीं आ रही है। उषा, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गई। क्यों मैडम, होने वाली बहू ससुराल में बिना बोले चली आई? तुझे तेरी ससुराल पहुंचाने आई हूँ। उषा, क्या बोल रही हूँ? ड्यूटी के वक्त मुझे नाम लेके मत पुकारो मिस्टर, आई डोंट लाइक इट। सॉरी मैडम, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? मैं जान सकता हूँ? तुम्हारे भाई के सेक्रेटरी का खून हुआ है। क्या खून हुआ है? यस, शक के तौर पे इसे अरेस्ट करने आई हूँ। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। ए, किस आधार पर मेरे बेटे को अरेस्ट कर रही हो? ये सब स्टेशन में आकर कहो। उषा, मेरे भैया के बारे में ऐसा गलत सोच रही हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज उन्हें छोड़ दो, मेरा कहां मानो। मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। कांस्टेबल मूव। जाओ मैडम जाओ, मेरे बेटे को बचाना मुझे अच्छी तरह आता है, तब तुम समझोगे इस प्रभाकर का पावर। ठीक, इसीलिए कहता हूँ पुलिस वालों का रिश्ता ठीक नहीं होता, उसने अपनी चाल दिखा दी ना। डैडी मैं, मुझे अकेला छोड़ दे, तू जा। हेलो, कौन डीएसपी? मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। क्यों यार, पार्टी है क्या? अरे छोड़ना, पार्टी देने की हालत में मैं नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारे बेटे ने कोई अपराध किया होगा तो उसे नहीं तो और किसे पकड़ेगा? है मेरा डिपार्टमेंट है ना, मैं यहाँ हूँ, मैं संभाल लूंगा। अरे कैसे संभालोगे? सुनो, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे बेटे ने सेक्रेटरी का खून किया है इसीलिए पुलिस ने पकड़ा है, यही मैटर है ना? हाँ यही मैटर है। अच्छा ठीक है, वो मैं संभाल लूंगा। अच्छा, सेक्रेटरी का दस्तखत किया हुआ कोई पेपर तुम्हारे पास होगा ना? शायद होगा। जरूर होगा यार, नशे में मुझसे ब्लैंक पेपर पर दस्तखत लेने वाले आदमी हो तुम। अच्छा अच्छा, उसका दस्तखत किया हुआ जो भी पेपर हो मेरे पास भेज दो, तरकीब को मैं तरकीब से मारूंगा। तेरे पास एक ही थी जिसे हम बाहों में भरते थे, उसे भी मार डाला। क्यों नहीं बोलोगे, माल जो मेरा खाते हो, क्यों नहीं बोलोगे? पेपर भेजता हूँ, क्या करोगे क्या नहीं करोगे मैं नहीं जानता, मेरे बेटे को फौरन रिलीज कर दो, समझे? हेलो इंस्पेक्टर उषा। यस सर। फौरन मेरी ऑफिस में आओ। जी अच्छा। अच्छा, अपने आप को उषा आईपीएस समझती हो जो सबको लॉकअप में डालते हो? लॉकअप में डालने से पहले स्टेटस क्या है, कैपेसिटी क्या है देखनी चाहिए ना। सर आप शहर के बड़े आदमी, बिजनेसमैन, वही प्रभाकर के बेटे को अरेस्ट करके रखा है उसके बारे में बोला। सर उस आदमी ने उसके यहाँ काम करने वाली सेक्रेटरी का खून किया है इसीलिए मैंने उसे अरेस्ट किया। उसके लिए कोई सबूत है? उस लड़की को आखिरी बार प्रभाकर के बेटे के साथ ही देखा गया था। सिर्फ वही नहीं सर, टेलीफोन पे एक एनोनिमस मैसेज भी मिला था कि प्रभाकर के बेटे ने ही उस लड़की का खून किया है। सर मैसेज सबूत है क्या? स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना तुमने उसे कैसे अरेस्ट किया? ये पढ़ो। मैंने एक आदमी से प्यार किया मगर उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए निराश होकर ब्रांडी में विष मिलाकर आत्महत्या कर रही हूँ, इसका कोई और कारण नहीं। इस प्रकार शीला।
अब समझ में आया? दस्तखत देख लो। सेक्रेटरी कैसे? सुनो उषा, अच्छा हुआ ये खत मेरे हाथ में लग गया। प्रभाकर के हाथ में लग गया होता तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती। अब कभी ऐसा मैसेज मिले तो मुझे पूछे बिना कुछ मत करना, ओके? यस सर। जाके उसे रिलीज करो। आई एम सॉरी सर, अभी जाके रिलीज करती हूँ। अरे आजा आजा, लो तुम्हारे बेटे को छुड़ा कर ले आया हूँ। अब कभी खून करना हो तो मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। बड़े आए बाप और बेटे, ये क्या नया माल है क्या? अरे बैठना यार, महफिल जमाते हैं। हाँ हाँ, क्या रखा है तुम्हारे पास? एक बढ़िया माल था तो तुम बाप बेटे ने दोनों मिलकर खत्म कर दिया। अब तो बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए आते समय रास्ते में सेटअप करके आया हूँ। तुम्हारे बेटे पे भरोसा नहीं था इसलिए रास्ते में ही छोड़ दिया। वहीं जाके करना पड़ेगा कुछ, चलता हूँ। हफ्ता घर भेज देना, बच्चे जरा संभाल के। हाँ यस, गौरव स्पीकिंग। गौरव, उषा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी बात माने बिना मैंने तुम्हारे भाई को अरेस्ट किया। तुम वहीं रहोगे ना? मैं अभी पहुंचती हूँ, प्लीज कहीं मत जाना। हेलो गौरव, गौरव, गौरव। भैया, आपको गलती से अरेस्ट करने के लिए उषा बहुत दुखी है। वो आपसे मिलकर माफी मांगने के लिए तैयार है भैया। हाँ हाँ बोलो। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए आप उसे माफ कर दीजिए। आप रेडी को समझा बुझा कर हमारी शादी का इंतजाम कर दीजिए भैया। ठीक है, मैं संभालूंगा, डोंट वरी। प्लीज। मैंने कहा ना संभालूंगा। थैंक यू भैया। पागल हो गए हो क्या? जिसने तुम्हें अरेस्ट किया उसी को इस घर की बहू बनाओगे? इसको होने दो डैडी, हम उसको अरेस्ट करेंगे। गौरव की इच्छा अनुसार हम उसको इस घर में लाएंगे। जिंदगी भर के लिए वो साथ रहेगी ना यहाँ। वो भी एक अरेस्ट है ना, दैट इज हाउस अरेस्ट। अब मैं क्या करूँ बताओ तो? आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगा। हेलो, वन मिनट, गौरव तुम्हारे लिए। गौरव, दैट्स अ गुड न्यूज, डैडी ने शादी के लिए हाँ कर दी। रियली आई एम वेरी हैप्पी भैया, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा भैया, क्या तुम दुल्हा हो सामने आके खड़ा होने के लिए? एक ना एक दिन मैं यहाँ आकर तुम्हारा दुल्हा बनकर खड़ा होने ही वाला हूँ और तुम देखती रहोगी। अच्छा वो आ रहा है, जल्दी कपूर चला भैया। ऐसे घुस रहे हो जैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट हो रही है। जीजा जी, मेरी भी एक दिन इस घर में फर्स्ट नाइट मनाई जाएगी, आप देख लेना। आप मत देखना, आपके लिए अच्छा नहीं है। बोलोगे, ऊपर जाने के दिनों में ये भी आरज़ू है तुम्हारी है? आप कौन पहले ऊपर जाएगा, आप कौन जाने। क्या कहा? नहीं, कौन पहले ऊपर जा। बच गए जीजा जी, नहीं तो थोड़ी देर में ही आप ऊपर जाने वाले थे। आप समझ में आया आपने क्यों पुलिस वाली नहीं चाहिए ऐसा बोला? आपकी कुंडली में आपके और पुलिस वाली के बढ़िया संबंध हैं। हे भगवान, इस घर में और क्या क्या होने वाला है कौन जाने, बहुत डर लग रहा है। दूध इस दूध को लेने के लिए ये मामा पूरा रसोई घर ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम ले आई। देखो
दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। आश्रम के लोगों ने मेरी एक ऐसी आदत बना दी थी। ला मुझे दो। अब बढ़िया नींद आएगी। थोड़ा सा लेकर आइए, और लाना चाहिए था ना। अच्छा, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना। गुड नाइट। एक पुलिस वाली होकर इतना शर्मा रही हो? आज के दिन हर लड़की ऐसी शर्माती है। ऐसी बात है। उषा, वो दूध लाना। क्यों? क्यों? आज के दिन दूध क्यों पिया जाता है? तो फिर दूध दो ना। नहीं जी, मेरे लिए लाई हो ना, तो दो ना। उषा, सुहागरात के नियम में कुछ बदलाव किया जाए। क्या मतलब? सभी औरतें अपने पति को दूध पिलाती हैं, आज मैं तुम्हें पिलाऊंगा। पियोगी? नहीं जी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं चाहिए। ए, इसमें तो दूध ही नहीं है, इतनी प्यास लगी थी। यहाँ आने से पहले तुम सारा का सारा दूध पी गई। नहीं जी, हमारे पांडू मामा है ना, उन्हें दूध पिए बिना नींद नहीं आती, ऐसा बोलकर जितना दूध तक खत्म कर दिया। पांडे मामा को तो बुद्धि ही नहीं है, कब क्या करना चाहिए समझ ही नहीं। बेचारे मामा, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। ठीक है, बेचारे हैं। खैर, दूध तो पी नहीं सका। इस रस का रस पान कर लेने दो। हट हट जाऊं? एकदम सही, पति पे अगर प्यार बढ़ जाए तो ऐसा भी बोलूंगी मैं। अच्छा, पत्नी पर अगर ज्यादा प्यार आया तो? पत्नी पे ज्यादा प्यार आए तो? पत्नी पे ज्यादा प्यार आया तो तुरंत उसे बाहर भले ना चाहिए। गौरव, देखो वहां पर कोई खड़ा है। कहाँ है? गौरव, वहां देखो, वहां कोई खड़ा है। सॉरी उषा, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल आने वाला नहीं हूं। Thank you.
पांडिचेरी में हलचल। पांडिचेरी में तो हलचल होएगी ही। भाभी को छोटे भाई ने रेप करके मार डाला। भाई नादुशा, भाभी आयशा बीबी को। भांजे ये खबर पड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल दुनिया बहुत खराब हो गई है। अच्छा भांजे वहां क्या देख रहे हो? भांजे भांजे भांजे, मामा जी डैडी बुला रहे हैं, अंदर जाओ, जाओ अंदर। तमाशा देख रहे हैं। डैडी आपने बुलाया? मैं मिनिस्टर साहब से मिलने उनके घर जा रहा हूँ, तुम आओगे? नहीं पिताजी, सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक काम कीजिए, आप जाके आइए। क्यों, क्या हुआ? नहीं वैसे कोई खास। हाँ चुप रहोगे तो वैसे ही होगा, अपने बदन का कुछ इस्तेमाल करो। जीजा जी, क्या है? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जा, आने में देरी होगी। अरे तू आया तो क्या, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, तेरा ये रहना ही वेस्ट है। भांजे 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 भास्कर भांजे भास्कर भांजे भास्कर भांजे, इसे भूत ने पकड़ लिया। खत्म हुआ, अब क्या करेगा? भांजे 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 भांजे। ए, क्या यार ऐसा गाना गाकर उड़ रहा है, क्या बात है? देख लिया टिकट है क्या? हम दोनों सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, फौरन तैयार हो जा। क्या पिक्चर है? शाहरुख खान का पिक्चर है? नहीं नहीं, और कौन सा पिक्चर है? वो कौन थी? वाह कौन थी? परवा नहीं, मुझे कुछ नहीं, पिक्चर खत्म होते ही मैं गिर जाऊंगी, बाद में तुम अकेला रहना पड़ेगा, समझा? मैं कौन? नवीन निश्चल का फैन। मेरा रास्ता एक ही रास्ता। हाथ में क्या है? दीप चलाने के लिए तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया? ओ तब तो यहाँ भूत आ गए होंगे। तुम क्या बोलते हो? टांगे दिखाओ। तो तेल खत्म हो गया, अब स्वामी जी के पास जगह लेना पड़ेगा, हमें सिनेमा देखने भी ले जाना है। ये सुनो यार, आज ही तुम पहले पहले टिकट लेके आया है, अब स्वामी जी के पास जाना पड़ता है, मर्यादा से मेरे साथ आ जा। उषा, ऐसे क्यों बैठी हो? सर में बहुत दर्द है। ये बात है, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसमें पावरफुल टैबलेट डाल दी है, इसे पीने के बाद फौरन नींद आ जाएगी, ठीक है? क्यों शाह, इतनी जल्दी दूध पी लिया? Thank you.
बेटे क्या हुआ तुम्हें? भास्कर तुम्हें इस हाल में देखूंगा, कभी कभी सोचा नहीं था। गौरव 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 डैडी, तुम्हारी पत्नी क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी कहाँ है बेटे? वो अंदर सो रही है डैडी। तुम्हारा भाई बाहर मरा पड़ा है बेटे। भैया मर गए? तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपनी पत्नी को पहले बाहर भेजो, उसी ने मेरे बेटे का खून किया है, कल मेरा खून करेगी, उसके बाद तुम्हें भी मार डालेगी। उस पर भरोसा मत कर, उस पर भरोसा मत कर, मैं कहता हूँ उस पर भरोसा मत कर। मामा जी,
डैडी को रेस्ट करने दीजिए, प्रेशर कम करने के लिए इंजेक्शन दिया है, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ, ख्याल रखिएगा। बेटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी? सब खत्म करके आ रही हूँ, अंकल कैसे हैं? तुझसे अभी भी वो नफरत कर रहे हैं, उनका हाल देखते हुए तुम उनके पास ना जाओ तो बेहतर होगा। मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान से प्रार्थना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बोलो भांजे, ऐसा क्या? ठीक है बोल दूंगा। ओके, किसका फोन था? गौरव का फोन था, हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी है, वो सवेरे ही आएगा। अच्छा आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ऊपर जाके सो जाइए, जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गेस्ट हाउस तक हो आता हूँ। गेस्ट हाउस में? जीजाजी, जीजाजी, छे, गौरव आएगा तो मुझे डांटेगा, आप मर्जी से जा रहे हैं। बुलाता हूँ तो भी चले जा रहे हैं, स्वामी जी के मंदिर ले जाऊंगा सोचा था तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। छे, दूसरों की जान बचाने के लिए बेटा अस्पताल में है, अपनी जान बढ़िया है सोचकर ये गेस्ट हाउस जा रहे हैं, तब तो मेरी जान का क्या होगा, इतनी बेकार है। मंजू, सुबह से देखा ही नहीं उसे, देख कर आता हूँ। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं बेटी, नौकरानी काम पे नहीं आई ना तो उसे देखने जा रहा था बस ऐसे। वो तो काम छोड़ के चली गई ना। ऐसा क्या? अच्छा आप और अंकल घर में जो बातें कर रहे थे वो क्या है? वो कुछ नहीं बेटी, घर में सब डर रहे थे ना, इसलिए जीजा जी को भूतराज स्वामी के पास ले जाने के लिए बोल रहा था बस। वहाँ ले जाके क्या करेंगे? वो तो अब... अच्छी तरह मुखल ऐसे ही रहो, कैसे इसे ठीक करे, मुखल मुखल अच्छी तरह से खोलो, अच्छा खोलो, बदबू मार रही है। क्यों डॉक्टर, तुम्हारे मामा को दांत साफ किए कितने दिन हो गए, ये कब से गूंगे हैं? कल से डॉक्टर। कल से? हाँ डॉक्टर, कल मैं नाइट ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचा तो मामा वहाँ बेहोश पड़े थे, उसके बाद खड़ा करके उन्हें देखा तो हाथ उठाकर इन्होंने कुछ कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा तुमने? क्यों चिल्ला रहे, सर फट जाएगा। रुको, तुम जो भी बोलना चाहते हो इसमें लिखो। गौरव, एक ही पेपर में अंडे ड्रा किया है, तुम्हारे मामा को अंडे बहुत प्यारे है लगता है, जो बोला लिखकर बोलो बोला तो अंडा बना कर रखा है। गौरव मेडिसिन सब कंटिन्यू करने को बोलो और फिर खूब अंडे खाने को बोलो, अगर रेगुलरली अंडे खाएंगे तो ये बोल सकेंगे, अगर हो सके तो संडे से मंडे तक अंडे खिलाना, समझ गए? ठीक है डॉक्टर। संभल के, संभल के। कुछ नहीं होगा मम्मा। उषा जा तक ये लगाना। उषा जरा गर्म पानी लाना। साले साहब क्यों इस तरह लेटे हो, क्या हुआ आपको? उसने आपको भी गुंगा बना दिया, वो और किस किस को क्या क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? किसके बारे में बोल रहे हैं? और कौन, सब तेरी पत्नी का खेल है,
कितने अच्छे थे ये। उसे क्यों गाली दे रहे हैं? उसको नहीं था और किसको गाली दो? फिर से इस घर में पुलिस वाली नहीं चाहिए बोला था, क्यों लाए? वो जब से इस घर में आई है तब से शांति भंग हो गई है। उसे मार मार कर भगा दो, देख लेना तुझे भी मार कर एक दिन दूसरे का हाथ पकड़कर भाग जाएगी वो। इस तरह मत कहिए डैडी, आपकी बातें सुन लेगी तो वो कितनी दुखी होगी। तू मर गया तो मेरा दिल कितना दुखी होगा सोचा है कभी? उषा, उषा, आओ डॉक्टर गौरव बैठो। एक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया। कहिए डॉक्टर। क्यों गौरव, डल दिखाई दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ डॉक्टर, मेरे भाभी के मर जाने के बाद पुलिस वालियों से नफरत करते हैं मेरे डैडी। अब मेरे भैया के मर जाने के बाद मेरी पत्नी से नफरत कर रहे हैं। बेचारी वो क्या करेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सी बात है, वेरी सिंपल। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? गौरव, पहले इंसान को मन में शांति चाहिए, नौकरी वगैरह बाद में। तुम्हारी पत्नी की नौकरी ही तुम सबकी प्रॉब्लम है तो उसको रिजाइन करने को बोलो। तुम बोलोगे तो क्या वो मना करेगी? इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान होते हो? दूध पीजिए। भूत चिपटिया था, तेरा मुंह पीला हो गया। मैंने जो सुना वो सच है क्या? एक हफ्ते में यहाँ नहीं था, आते ही सुना। अच्छा, तेरा बेटा खूब पीकर सीढ़ियों से नीचे गिर के मर गया है? मुझे एक डाउट है, वो खुद मर गया या हमेशा की तरह तुमने उसे मार डाला? अरे कैसी बकवास कर रहा है, वो मेरा सगा बेटा था। हे भगवान, किसको बुला रहे हो? किसी को नहीं, अचानक एक नया सेंटिमेंट लव सब उमड़ रहा है, इसलिए प्यार से पुकारा। ए, मुझे देखकर कैसा लगता है? सच कहूं तो बिल्कुल लाश की तरह। मैं लाश नहीं हूं। क्या? मैं एक औरत को लाश बना दूंगा, कितना पैसा चाहिए ले लो, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मारना कोई बड़ी बात नहीं है, किसको मारना ये तो पता। वही तो, वो मेरी बहू के रूप में एक भूत है, उस भूत को तुम्हें मारना होगा। बाप रे, बहू को मारना तुम्हारी हॉबी बन गई है। ए, तुम जानते नहीं हो, मेरे बेटे को टेरे से धक्का मारा उसी ने, मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे बेटे के गिरते वक्त वो भूती जैसे हंस रही थी, अंदर जाकर देखा तो सो रही थी, बाहर हंसती है, अंदर सोती है, सोती है, बाहर हंसती है, अंदर सोती है, बाहर हंसती है। कंफ्यूज मत कर यार, वो बाहर खड़ी होती है, हंसती है। अच्छा, तुम्हारा बेटा मरते समय तुम नशे में तो नहीं थे? ए, मैं बिल्कुल होश में था, उसने ही मेरे बेटे को सचमुच में मारा है, समझ गए? उषा, उषा, सुबह डैडी ने जो कहा वो सोच रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कुछ बोल नहीं रही हो, फिर भी तुम बहुत फील कर रही हो ऐसा लग रहा है। अगर मैं पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो गौरव। तुम बुरा नहीं मानोगी तो बोलूंगा।
आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। उषा, मेरी शादी होने के बाद समझ में नहीं आता है डैडी इतने बेचैन क्यों हैं, और इसका कारण तुम एक पुलिस वाली हो, इसलिए इसलिए तुम ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ उषा, इस पुलिस की नौकरी की वजह से भाभी मर गई, उसी सोच में भैया भी चल बसे, इसीलिए तुम्हें इस पुलिस ड्रेस में देखते ही वो मुझे खो देंगे ऐसा डैडी फील कर रहे हैं, इसीलिए वो तुमसे नफरत करते हैं। डैडी के लिए ना सही, कम से कम मेरी खातिर तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो उषा? गौरव, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ मेरा गौरव चाहिए, उसके मन का चैन चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरा फाइल किया एक केस बाकी है, वो पूरा करते ही मैं रिजाइन कर दूंगी। अच्छा, तुम्हारा वो केस कब खत्म होगा? शायद आज ही खत्म हो जाए। अब क्या चाहिए, उसकी कहानी खत्म करनी है ना, अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। सर? इंस्पेक्टर उषा। जी सर। फौरन मेरी ऑफिस आ जाओ। किस लिए सर? एक मुख्य जगह पर हम दोनों को मिलकर रेड डालनी है, आ जाओ। जी अभी पहुंचती हूँ। गौरव, जिसके लिए इतने दिनों से ट्राई कर रही थी वो आज पूरा होने वाला है, उस केस के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आते समय तुम्हारी इच्छा अनुसार अपना रेजिग्नेशन देकर आऊंगी। चलती हूँ गौरव। ठीक है। थैंक्स गॉड, अब मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये क्या सर, स्मगलर्स यहीं कहीं छुपे हैं कह रहे थे, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। इसी जगह पर रहेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। एक काम करो, तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ओके सर। क्यों गौरव डल दिख रहे हो, रात भर सोए नहीं क्या? डैडी, उसी केस के सिलसिले में रात को बाहर गई थी, अब तक लौटी नहीं, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ रात भर एक कुत्ते की तरह बिठा कर पूरी रात बाहर जाती आती है, इसीलिए मैंने कहा था कि पुलिस वाले से शादी मत कर। नहीं डैडी, आज से वो नौकरी छोड़ देगी यही बोलकर वो ऑफिस गई थी। वो नौकरी छोड़ेगी या उसकी जान छोड़ेगी कौन जाने। Thank you.
गौरव मेरा काम फिनिश हो गया, अपना रेसिग्नेशन लेटर डिपार्टमेंट में देकर आ रही हूँ। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा और मेरे प्यारे अंकल का पूरा ख्याल रखना। ठीक कह रही हूँ ना अंकल, आप खुश हैं? आइए। हेलो सर, डीएसपी ऑफिस से बोल रहा हूँ। डीएसपी फायर एक्सीडेंट में मारे गए, यही इन्फॉर्म करना था। क्या डीएसपी फायर एक्सीडेंट में मर गए? मैं यहाँ पहले से डर के मारे बैठा हूँ और तुम मुझे डरा रहे हो? लगता है यही मुझे मार डालेगा। रोजाना एक्सरसाइज करके अंडे खाने को बोलो, अगर अंडे खाएंगे तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मामा मामा, ठीक ठीक है, पहले ये लिस्ट पकड़िए और इसमें सारा सामान खरीद के लाइए, आपसे उषा खाना बनाएगी। ये क्या मामा, आप डर क्यों रहे? ये भी नहीं कर सकते हैं क्या? कार, सामान लेकर आने के लिए आपको कार चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप जाइए। दांत, इस जन्म में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लीजिए जाइए। बीस नंबर की बस आई के नहीं पूछता हूँ। दीदी ये हम दोनों को सिनेमा के लिए बुला रहा है। जूते से मारा बदमाश कुत्ते। मैडम इधर आइए, ये हम दोनों को बुला रहा है। क्या यार, तुम जैसे लोग औरतों को क्या समझ कर रखा है? तुमको घुटने तोड़कर लॉकअप में डाला तो सुधारेगा। बाड़वा राजकर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? मैडम ये ऐसे ही। जो भी देता हूँ पकड़े खड़े हो जाते हो तो भी दो। सर, आप इतनी जल्दी इस कुर्सी बैठ जाएंगे मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अगर तुमने सपना देखा होता तो शायद साकार नहीं होता। और सब छोड़ो, ओ नहीं नहीं, जो हमारे डिवीजन में हेड कांस्टेबल आई है वो कहाँ गई है? वो लड़की छोड़ने के मामले में किसी को पकड़ने गई है। चलो। कौन कौन है ये? सर, ये आदमी औरतों को छेड़ रहा था इसलिए पकड़ कर लाया। कौन ये लड़कियों को छेड़ रहा था? ओ, आप जानती है कौन है ये? कल तक उषा इंस्पेक्टर जो काम करती थी उसके उसके मामा है ये। ये बेचारा गूंगा है, गलती हो गई भाई। जाओ 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 जाओ, छोड़ के आओ इसे। सुनिए ये लीजिए आपका रूमाल। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। अच्छा तुम ये वन स्टेशन के हेड मैडम हो ना?
ये बोल नहीं सकता गूंगा, इसे तुमने शादी कैसे की? एक सिनेमा देखा, वो देखने के बाद एक गूंगे को जिंदगी देने के लिए सोचा मैंने, भगवान ही इनको मेरे पास भेजा है। अच्छा हुआ गूंगे साहब आपने पिक्चर देखी, अगर नहीं देगी तो ठीक है, तुम उसी लायक हो। अरे गौरव तुम्हारे मामा शादीशुदा हो के आंटी को लेकर आए, आकर देखो। क्या ही मामा साहब? अरे कुछ नहीं बेटा, हमारे परिवार में हेड मैडम की कमी थी इसीलिए आंटी बनाकर लाए थे। ए जीजा जी अंदर जाने के लिए बोला ना, क्यों खड़े हो, आओ। जा इसे कमरे तक छोड़ा। दुल्हा बने हैं मामा, शर्माइएगा नहीं। अब ये शादी करके क्या करने वाला है, वैसे भी ये गूंगा है, जिसको देखो पुलिस वालों को ही मेरी घरवाली कह के ला रहे, क्या हो रहा है यहाँ? उषा प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार में हम दोनों। कुछ ज्यादा अच्छे मूड में हो? फिर क्या, तैयार हो जाओ, ड्रेस वगैरह सब पैक करो, दो तीन दिन के लिए हम लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल से डॉक्टर टीम उड़ीसा जा रही है, उस टीम का चीफ मैं हूँ, हम वहाँ सेवा करने जा रहे हैं, और ये मैडम मेरी सेवा करने जा रही है। डैडी मैंने कहा था ना मुझे उड़ीसा जाना होगा, मैं जा रहा हूँ डैडी, उषा को भी साथ ले जा रहा हूँ, उसको भी एक चेंज मिल जाएगा, चल रहा हूँ डैडी, उषा डैडी से बोलकर आ जाओ। अपना ख्याल रखना। शुरू हो गई तेरी मुसीबत। मैडम हेड मैडम जरा इधर आओ, पति के मन में क्या है ये बोले बिना समझने वाली पत्नी, ये क्या कह रहा है जरा मुझे भी तो समझाओ। ओहो मेरे आने के बाद यही बोलते रहते हैं आप, और वह जाके एक स्वामी जी को देखा तो अच्छा होगा बोल रहा है। बीज बिखेरने वाला ही फसल काटेगा, मैंने उस दिन ही बोला था ना, वही हुआ देखा नहीं, दुनिया में जो चलता है वो सब मैं जानता हूँ। ये बात है स्वामी, बहुत अच्छी बात है, आपका परम भक्त मेरा साला गूंगा हो गया है स्वामी। ये बात है, धर्म के अनुसार चलने वालों के विरुद्ध अनिति कभी नहीं हो सकती। माता माता के आशीर्वाद से यह तीर्थ जल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा, तो ये गूंगा तुरंत बोलने लगेगा। बोलो बोलो माता तुम्हारी जीहा में बैठेगी, बोलो बोलो। बोलने लगे स्वामी। माता देख क्या रहे हो, मेरा गूंगा साला बोलने लगा है, उसी तरह मेरी बहू को। हाँ स्वामी जी, उस औरत का यह हाल कैसे हुआ? एक दिन उषा का रक्त पी कर पेतनी के रूप में वो शीला उसके शरीर में प्रवेश कर सबको दुखी करने लगी। वो प्रेत आत्मा उसके शरीर में क्यों घुसी? विधि का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। अब क्या करें स्वामी? उसे यहाँ पर लेकर आओ। वो यहाँ नहीं आएगी, बहुत घमंडी है। हुँ।
ये तावीज उसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। उसके चरणों को इस तावीज ने स्पर्श कर लिया तो वो बेहोश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ लेकर तुम आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लो आपका आशीर्वाद, हम चलते हैं। एक और बात, आने वाले विजयदशमी के अंदर उसे यहाँ लेकर आना होगा। अगर नहीं लेकर आए तो उसे नाश करने की शक्ति ना ही माता को और ना ही मेरे अंदर है। ठीक है स्वामी जी, हम चलते हैं। चलते हैं स्वामी जी। क्या करें साले साहब, आने वाले विजयदशमी के अंदर स्वामी ने उसे लाने को कहा है, इस समय वो घर में नहीं है, हम कैसे उसको लेकर आएंगे? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हेलो, ये बात है? ठीक है ठीक है, आने दो आने दो। हंस क्यों रहे हैं? तावीज का काम है, गौरव को भी काम है, वो अकेली फ्लाइट से आ रही है, अब हम क्या करें बताओ? इसे रखेंगे, वो अपना पैर रखेगी, बेहोश हो जाएगी, हम उसे उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। चलो आ बेटी उषा, डॉक्टर बेटा नहीं आया? जरूरी काम है, वो बाद में आएंगे। अच्छा तुम नहा के आओ, टिफिन खाएंगे। उषा तुम्हारे बाथरूम में पानी आता नहीं है, मेन बाथरूम में आ रहा है, वहाँ जाके नहाओ। जी ठीक है। कहाँ जा रही है? इसने पैर रख दिया तो मुसीबत हो जाएगी। छोड़ो यार, क्या है सब? थोड़ी देर चुप रही रहोगी? क्या बोलते हो? जल्दी आइए। ए उषा को क्या हुआ? घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, स्वामी जी आते नहीं है इसलिए इसे बेहोश करके वहाँ ले जाएंगे। ए उषा को कुछ मत करो, मुझे डर लग रही है। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो जान से मार डालूंगा, समझ गए? उठाओ उठाओ। शीला की दफनाई जगह में डालो, उसके बाद मेरी माता सब कुछ संभाल लेगी। और एक मुख बात, ये ले जाते समय तुम्हें उस स्थान के भूत शैतान सब डराएंगे, मगर तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, समझ गए? जाओ। ए तुम रुको। ये मुझे क्यों रोक रहा है, मेरा भी रक्त निकालेगा क्या? डैडी, उषा उषा, आंटी कहाँ है, सब दिख नहीं रहे। तो
डैडी, डैडी, उषा कहाँ है? कहाँ है उषा? क्या क्या उषा के साथ? कहाँ है उषा? बोलो डैडी। उषा कैसी हो? गौरव, उषा होश में आ गई? मैंने कहा था ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ? तेरे बाबा को मैं संभाल नहीं सका, इसलिए मुंह पे पट्टी बांध दी। उषा क्या हुआ डॉक्टर, फिर भी होश हो गई? हटो। हैप्पी न्यूज गौरव, तुम बाप बनने वाले हो, पार्टी देना भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर। गौरव इधर देखो, तुम्हारी तरह तुम्हारा मामा भी बाप बन रहा है।